हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू रिमूव ग्लैंस फ्रॉम लॉक स्क्रीन इन सैमसंग। तो यहाँ पे अगर ग्लैंस आपको शो कर रहा है आपके लॉक स्क्रीन पे और आप भी इरिटेट हो गए हो, तो कैसे इसे रिमूव करना है, टर्न ऑफ करना है, यही इस वीडियो में आपको बताऊँगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप देख सको। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में सेटिंग को ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस अपनी स्क्रीन पे आपको देखने मिलेगा। यहाँ ऊपर सर्च बार दिख रहा होगा, सर्च बार में ग्लैंस टाइप करना है। यहाँ पे आपको ग्लैंस फॉर रियलमी दिख रहा है, आपके सैमसंग के मोबाइल में आपको ग्लैंस फॉर सैमसंग दिखेगा और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन। तो आपको उस पर सिलेक्ट करके ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है अपडेट कंटेंट यूजिंग मोबाइल डेटा, मतलब आपका मोबाइल डेटा यूज़ हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे उसके नीचे लिखा हुआ है शो ग्लैंस कंटेंट ऑन लॉक स्क्रीन, और उसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम छोटा सा लिखा है टर्न ऑफ। तो यहाँ पे आपको ये दोनों चीज़ें बंद कर देना है, क्योंकि यहाँ पे आपका डेटा भी वेस्ट हो रहा है और यहाँ पे ग्लैंस जो आपको शो हो रहा था आपके लॉक स्क्रीन पे, वो भी आप यहाँ पे बंद कर सकते हैं। तो टर्न ऑफ पे आपको क्लिक कर देना है। टर्न ऑफ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पे बंद हो गया है। इसके बाद आपको बैक जाके आप अपना मोबाइल लॉक करके उसकी लॉक स्क्रीन चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो ग्लैंस पहले शो कर रहा था वो रिमूव हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा, और जो नॉर्मल आपका वॉलपेपर था लॉक स्क्रीन पे पहले, वही यहाँ पे आपको शो करेगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप भी अपना ग्लैंस यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे से हटा सकते हैं, टर्न ऑफ कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है कि लॉक स्क्रीन का ग्लैंस कैसे यहाँ पे हटाना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और दोस्तों चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही है, जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। ओके, बाय।